अभी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर बाजार देखने 6568 पर कारोबार करता नजर आ रहा है और 6640 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं सोयाबीन की कीमतों में एक के बाद एक तेजी लगातार जारी है। किसी किसी मंडी से ये भी खबरें निकल के सामने आई कि वहाँ पे सोयाबीन 7300 तक बिकती नजर आई है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से किसानों ने अब अपनी सोयाबीन को स्टॉक करके चलना शुरू कर दिया है और मंडियों में आवकें अब कम देखने को मिल रही हैं, किसान निचले स्तर पर अपनी सोयाबीन बेचने को मंजूर मूड में नहीं है, क्या ऐसे में एक बार फिर से सोयाबीन की कीमतों में पहले वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो बुआई के समय देखने को मिले थे, 11,000-12,000 वाले? देखिए, मार्केट में तो ये खबर है कि ये लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अभी जो है जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सोयाबीन की क्रशिंग भी कम हो रही है, क्योंकि अभी सोयाबीन का अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो देखे तो प्रोडक्शन काफी इम्पैक्ट हुआ है, जबकि अभी भारत में प्रोडक्शन अच्छा खासा बताया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फार्मर्स माल बेचने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मंडियों में माल नहीं आ रहा है, तो इस वजह से डिमांड जो है मार्केट में देखने को मिल रही है और प्राइसेस बूस्ट अप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों में हो सकता है कि 7,000-7,300 के आसपास सोयाबीन बिकी हो, जिस तरीके से वायदा में भी हमें तेजी बनते हुए देखी है, तो इसके चलते हो सकता है कि आपको सोयाबीन के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को आगे भी मिल सकता है, क्योंकि अभी देखे तो प्लांटों को भी सोयाबीन ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, इस वजह से कीमतों के अंदर तेजी है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि एक बार अगर सोयाबीन यहाँ वायदा के अंदर 7,000 के ऊपर निकल जाता है अखिलेश, तो आप मान के चलिए कि उसके बाद इसकी तेजी जो है वो अच्छी खासी बन सकती है और 8,000 से लेकर आपको 8,500 पे और मे बी आगे अगर सस्टेन किया मार्केट तो 10,000 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी आने के लिए अभी 7,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, अगर उससे ऊपर आ जाते हैं तो सोयाबीन की कीमतों में तेजी को कोई नहीं रोक पाएगा और सोयाबीन की कीमतों में तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। रूपा जी, अभी कुछ महीने पहले वैश्विक रिपोर्ट निकल के आई थी सोयाबीन की कि जो वैश्विक सोयाबीन का उत्पादन है वो ज़्यादा रह सकता है, वर्ल्ड ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब वही देख रहे हैं कि जैसे जो मुख्य उत्पादक देश हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे US हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, जिन देशों से पूरे विश्व में सोयाबीन की सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट किया जाता है, अब उन्हीं देशों में सोयाबीन का उत्पादन कम रहने की आशंका बताई जा रही है और भारत में ज़्यादा बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन का उत्पादन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता नज़र आ पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले खबर निकल के सामने आई थी कि अर्जेंटीना में लगातार दूसरे तीसरे साल ऐसा देखा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें नष्ट होती नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल अभी जो प्रोडक्शन की आपने बात कही, बिल्कुल ये जो प्रोडक्शन है ये बिल्कुल जो वैश्विक स्तर पर फिसलता हुआ नजर आया है। ब्राजील में, अर्जेंटीना में और US में फसल कमजोर पड़ी है और इसके साथ साथ सोपा के भी आंकड़े निकल कर आया है, जो भारत के अंदर जो सोयाबीन का उत्पादन है लगभग 119 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14% अधिक बताया जा रहा है भारत में, जबकि प्रोडक्शन ज्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो प्रोडक्शन इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके बावजूद आप देखिए भारत के अंदर कीमतें तेज होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि इस बार जो किसानों ने सोयाबीन जब सोइंग की थी तो उनको बीज भी काफी महंगे मिले थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइजेस को सस्टेन इन लेवल्स के ऊपर मुझे लगता है कि कर सकते हैं प्राइजेस और आगे इसके अंदर तेजी बन सकती है। और जिस तरीके से माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी पोजिशनें होल्ड पर है और स्टॉकिस भी स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सोयाबीन एक बार बूस्टअप हो सकता है। और आप मान के चलिए, देखिए अभी करंट लेवल से हम 5-700 की ही तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिलहाल देखने को मिल सकती है। जी,